हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन मिसलिनियस एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं, जो अपन ने पढ़ा सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, उन्हीं के बारे में क्वेश्चंस हैं, लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ध्यान से देखिएगा। एग्जांपल 17। द फोकस ऑफ अ पैराबोलिक मिरर एज शोन इन फिगर, फिगर आपको दिया हुआ है, ये पैराबोलिक मिरर है, 3D डायग्राम होगा इसका। एनीवेज 3D से मतलब नहीं, अपन को तो इसका ये वाला पार्ट ही लेना है 2D पे ही, क्योंकि पैराबोला के इक्वेशन अपन 2D में ही ध्यान है। हाँ, इसका जो फोकस है इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द वर्टेक्स, जो वर्टेक्स है इससे 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली 5,0 होगा, वर्टेक्स होगा 0,0। ये अपने वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस ले लिया बेटा ना, पैराबोलिक इक्वेशन क्या होगी, जब वाई एक्सेस पे होता है पैरा एक्स एक्स पे पैराबोला होता है तो उसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। इफ द मिरर इज 45 सेंटीमीटर डीप, जो मिरर की डेप्थ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डेप्थ, ये मिरर 3D डायग्राम है बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डेप्थ है वो 45 सेंटीमीटर है, तो आपको ये जो डिस्टेंस है ए बी ये फाइंड आउट करनी है। ओके, पहले ए की वैल्यू आपको 5 दी हुई है क्योंकि फोकस 5 है, तो पहले ए की वैल्यू 5 रख दो, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, वाई स्क्वायर इज टू 4 5 20x। अब आपको ये ए बी निकालनी है। देखो, ए जो पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा ये वाली डिस्टेंस, मतलब 45, और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो होगा ये वाली डिस्टेंस, सपोज ये एम है, ए एम है ना, ये जो 45, y है, ए है, ये पैराबोला पे लाई करेगा, तो इससे अपन को वाई की वैल्यू मिल जाएगी, वाई की वैल्यू मिल जाएगी, उसको डबल कर देंगे तो ए बी की वैल्यू मिल जाएगी। सिंस ए 45, y लाइज ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इजिकल्स टू 20x, तो सिम पे रखो बेटा, वाई की जगह तो वाई 20x 45, तो ये होगा वाई स्क्वायर इजिकल्स टू 45 × 90 900, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 30 प्लस माइनस 30 आएगी, तो ऑब्वियसली ये प्लस 30 होगी, माइनस 30 होगी, तो ए बी कितना हो जाएगा बेटा, ट्वाइस ऑफ ए एम यानी ट्वाइस ऑफ वाई यानी कि 60 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर में डिस्टेंस है, इसलिए भी ए बी भी किस में आएगा बेटा, सेंटीमीटर में। आंसर सिंपल क्वेश्चन था। चलिए और करते हैं एग्जाम्पल 18। अ बीम इज सपोर्टेड एट एंड्स ऑफ एंड्स बाय अ बीम इज सपोर्टेड एट इट्स एंड बाय सपोर्ट्स विच आर 12 मीटर अपार्ट। अच्छा, एक बीम है 12 मीटर अपार्ट, दो सपोर्ट्स लगा रखे हैं, एक यहां पे एक यहां पे, 12 मीटर की डिस्टेंस है। अब सिंस द लोड इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर, बीच में लोड आएगा इसलिए बीम बीच में से झुकेगी, देयर इज अ डिफ्लेक्शन ऑफ 3 सेंटीमीटर एट द सेंटर एंड द डिफ्लेक्टेड बीम इज इन द शेप ऑफ पैराबोला, हाउ फार फ्रॉम द सेंटर इज द डिफ्लेक्शन, 1 सेंटीमीटर। ओके, ये बीम पे बीच में डिफ्लेक्शन आएगा बेटा, तो इस तरह से डिफ्लेक्शन है ये, और ये जो शेप है वो पैराबोला का बना रहा है बीच में। एक्चुअली बीम ऐसा होती पर डिफ्लेक्शन कारण 3 सेंटीमीटर सेंटर में जो है 3 सेंटीमीटर का डिफ्लेक्शन है, मतलब ये लेंथ 3 सेंटीमीटर है। आपको बताना है कि कहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है वो 1 सेंटीमीटर होगा, मतलब ये वाली लेंथ कितनी होगी बेटा, नीचे वाली बची हुई, अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी जाए यहाँ पे, और यहाँ पे वर्टिकल लाइन बनाते हैं, जहाँ बीम का मिड पॉइंट होगा वो हो जाएगा ओ ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये वाई एक्सिस मान लेते हैं, ताकि पैराबोला पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस की तरफ हो जाए, ये जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। आपको ये पूछा है कि सेंटर से कितनी दूर डिफ्लेक्शन जो है वो 1 सेंटीमीटर होगा, मतलब ऊपर से 1 सेंटीमीटर हो, ये डिस्टेंस होगी उस केस में 2 सेंटीमीटर। तो इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो, किस फॉर्म में होगी बेटा, एक्स स्क्वायर इज टू 4ay की फॉर्म में होगी,
ए की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी बेटा ए की वैल्यू? ये पॉइंट क्या होगा, ये पूरा 12 मीटर है तो ये लेंथ जो होगी वो 6 मीटर होगी, मतलब इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो 600 मीटर होगा, 600 सेंटीमीटर, एक काम करो मीटर में चेंज करते हैं, ये 6 मीटर ही है तो 6 हो गया, और ये जो हाइट होगी ये वाली हाइट वो वाई कोऑर्डिनेट होगा, ये हाइट तो है 3 सेंटीमीटर, मतलब इसकी हाइट होगी 3/100 मीटर, है ना। सिंस दिस पॉइंट कैपिटल ए लाइज ऑन पैराबोला, इसका मतलब सेटिस्फाई करेगा पैराबोला का, एक्स की जगह 6 का स्क्वायर, वाई की जगह 3/100, तो हो जाएगा 36/4×100/3 इज़ टू ए, ए की वैल्यू आ जाएगी 300, पुट दिस वैल्यू ऑफ ए एंड 300 इन दिस इक्वेशन, आपको मिलेगा एक्स इक्व टू 1200 y, एक्स स्क्वायर इज़ टू 1200 y। ओके, अब पैराबोला की इक्वेशन तो आ गई, अब अपन को ये पता है बेटा ये पॉइंट निकालना है, सपोज ये पॉइंट P है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा वो पता करना है, वाई कोऑर्डिनेट होगा बेटा ये डिस्टेंस, ये लेंथ जो एक्स एक्स से डिस्टेंस होगी वाई कोऑर्डिनेट होगा, मतलब वाई कोऑर्डिनेट तो है 2/100, 2 सेंटीमीटर × 2/100, तो सिंस P एक्स कॉमा 2/100 लाइज ऑन द पैराबोला, मतलब पैराबोला की इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, क्या है पैराबोला की इक्वेशन ये बेटा, एक्स स्क्वायर इज़ टू 1200 × 2/100, एक्स स्क्वायर इज़ टू 24, एक्स आ गया √24 यानी कि 2√6, मतलब ये जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस होगी, सेंटर से जो डिस्टेंस होगी एक्स जो है 2√6 है, सो डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ पॉइंट हुज डिफ्लेक्शन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर हुज डिफ्लेक्शन इज 1 सेंटीमीटर इज 2√6 मीटर, हो गया आ गया आंसर, मतलब जो ये पॉइंट है जिसका डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर है उसकी सेंटर से डिस्टेंस 2√6 मीटर होगी। ओके बेटा, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको आ जाएगा समझ में। और देखिए नेक्स्ट एग्जांपल 19, अ रॉड ए बी ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर रेस्ट इन बिटवीन टू कोऑर्डिनेट एक्सिस इन सच अ वे दैट द एंड ए लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड एंड पॉइंट बी लाइज ऑन वाई एक्सिस। अच्छा, दो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, ए जो है एक्स एक्सिस पे लाई करता है, ये रॉड की लेंथ 15 सेंटीमीटर है, बी जो है वाई एक्सिस पे लाई करता है। अ पॉइंट पी एक्स वाई इज टेकन ऑन द रॉड इन सच अ वे दैट ए पी जो है वो है 6 सेंटीमीटर, एंड ऑब्वियसली पूरी रॉड की लेंथ 15 सेंटीमीटर है तो ये रिमेनिंग 9 सेंटीमीटर होगा बेटा बी पी। अब आपको ये प्रूव करना है अगर रॉड मूव करे, मतलब रॉड का इस तरह से मूव करना है बेटा कि ए जो है वो एक्स एक्सिस पे रहना चाहिए, बी जो है वाई एक्सिस पे रहना चाहिए, तो ये जो लोग इस तरह से हो सकता है ए बी ऐसे हो, ए यहाँ पाएगा, ए बी ऐसे हो तो पी यहाँ पाएगा, पी यहाँ पाएगा, रॉड को थोड़ी ऊपर ले जाए अपन तो पी यहाँ यहाँ पाएगा, तो ये जो लोकस बना पी का ये एक एलिप्स बनाएगा, ये आपको प्रूव करना है इस तरह से, रॉड अगर यहाँ पे आ जाए तो पी यहाँ पे आएगा, रॉड अगर ऐसे आ जाए तो ऐसे तो आएगी नहीं, ऐसे तो पी यहाँ पे आएगा इस तरह से। तो चलिए इस पी का लोकस अपन को निकालना है, वो इलिप्स होगा प्रूव करना है। लोकस निकालने के लिए क्या करो, आप पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसकी इक्वेशन निकाल दो, वही आपके लोकस है। एक काम करो, पी को एक्स वाई दे रखा है ये ले लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन बना लेते हैं, ये एंगल मान लेते हैं, ये पहले पॉइंट मान लेते हैं एम, ये ओ, ये एन, लेट एंगल एम पी बी इज टू थीटा, ये एंगल थीटा ले लेते हैं, तो ऑब्वियसली ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये भी थीटा ही होगा, एम्प्लाइज एंगल एन ए पी इज थीटा। अब अपन को ए और बी की सॉरी एक्स और वाई की इक्वेशन निकालनी है ना, मैं एक काम करता हूँ, पहले ये डिस्टेंस, ये पॉइंट एक्स और वाई, ऐसा क्या मतलब हुआ बेटा, ये डिस्टेंस होगी एक्स और ये डिस्टेंस होगी वाई, एक्स कोऑर्डिनेट होता है वाई एक्स से डिस्टेंस और वाई कोऑर्डिनेट होता है एक्स एक्स से डिस्टेंस। अब इन ट्राइंगल एम पी बी
एक्स दिया हुआ 9 दिया हुआ है, मैं ले लेता हूँ कॉस थीटा। कॉस थीटा होगा बेस बाय हाइपोटेनस यानी एक्स बाय 9, एंड इन ट्राइंगल एन ए पी साइन थीटा इज टू बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, मतलब वाई बाय 6। अब उनको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज टू 1 होता है, साइन थीटा की वैल्यू वाई बाय 6 स्क्वायर, साइन थीटा की वाई बाय 6 तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय 6 स्क्वायर, कॉस थीटा की वैल्यू एक्स बाय 9 है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 9 स्क्वायर इज टू 1। मतलब क्या आया है, एक्स और वाई का जो रिलेशन आया है वो ये है, ये तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स है, दिस इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स। क्या मतलब हुआ कि जो पी का लोकस है, पी जो है हमेशा इस इक्वेशन में ही रहेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, मतलब जो पी जिन पॉइंट पर रहेगा वो पॉइंट क्या बनाएगा, एलिप्स। दैट इम्प्लाइज पी लोकस ऑफ पी इज एन एलिप्स, हेंस प्रूव्ड। सिंपल है बेटा, इस तरह क्वेश्चन एक एक्सरसाइज में भी है, आप लोग सारे क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा आज मिसलेनियस के, और डाउट्स होगा तो मुझे पूछेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।